सलमान की फिल्म भारत ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 42 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारत ने सुल्तान की पहले दिन की कमाई को पीछे छोड़ ईद पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं अब लीजिए, भारत ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल सलमान ने अपनी इस फिल्म के जरिए साल 2015 में रिलीज हुई प्रेम रतन धन पायो का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बता दें कि प्रेम रतन धन पायो ने पहले दिन 40 करोड़ 35 लाख रुपए का कारोबार किया था। वहीं भारत ने पहले दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर न सिर्फ प्रेम रतन धन पायो का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि भारत सलमान की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरन ने ट्वीट कर लिखा, इमर्जेस सलमान्स बिगेस्ट ओपनर एवर सरपासिंग डे वन बिज ऑफ प्रेम रतन धन पायो 40.35 करोड़। आलिया बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। साथ ही फिल्म का बजट भी 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में सलमान के साथ साथ कैटरीना और दिशा पाटनी ने भी शानदार काम किया है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या भारत बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सनी लियोनी सनी मैम ऑन योर फर्स्ट मार्क सनी ऑन द मार्क प्लीज ओ कामरन भाई बस बस ये आगे जाने Yeah.
समोसा बोलना अभी मैं तो कहना बोलना मैं तो बोले ना कॉपी अभी बोले ना मैं नहीं मैं नहीं सामने Let me catch you. No, that's okay. Thank you. I'll get Hi, Sumit. बिल्कुल ओकेजन भी बड़ा स्पेशल है आज ईद है और फिल्म का नाम भारत है तो इस फिल्म का प्रीमियर होना बड़ा ही स्पेशल लग रहा है यू आर एब्सोल्युटली राइट इस फिल्म की कहानी जब मैंने सुनी थी तब से लेके आज तक बहुत उत्कंठा है मेरे मन में और लगता है कि ये कहानी जो अली ने इतने पैशन के साथ प्रेजेंट की है वो लोगों को अच्छी लगे मेरा भी छोटा सा किरदार है इसमें और चाहती हूँ कि दर्शक